ये बात तो है, भजन लाल ने ताम तरह अभी तो तुलदीप तो बहुत मिले थे दर पे बैठे हुए, तुलदीप ताम तराता तो भवे तो बहुत मानने रिजुलती मैदान में तो है जी, उनता चर्चा ही नहीं है जमा भी, वो तो बस नाम नाम से तरे है जीत रही तो नहीं, बस ये दौड़े रही फिरे नल्लो जी तुरा राम ने दही जी तुरा राम ने ए थी भाई बोले बब्बे बिश्नोई जिंदाबाद तो बोन बोले राम जिंदाबाद मरिया मरिया बोले जय प्रसाद जेपी जे तो जमा जोर शोर से है जी इस बार तुलदीप बिश्नोई ने तो तल्ले तल्ले जेपी ने बल्ले बल्ले हो गए जी इतनी बार तो बब्बे बिश्नोई ने आपने बोले तुरा राम के सामने मेरा बाप विकास तराता तो मुझे बहुत मानने थी जुलत नहीं है जमा तो सुत्ता इस बार जोर शोर दे लियो भव्य जावे लोदा दे बुलाए इनू तेवे मेरे पड़ोदराम तराओ आर्मी तो पावे दसी इनेल्लो में ते पड़ी है इतना दिनों दीदी तले अलतरे ने एरबाड़ी तुरा राम मंदी में तो नहीं आयो बहुत तिस्ते ले वे था तो ही तो दिन था उसने भाई। जैसे जैसे मतदान की तिथि नज़दीक आते जा रही है वैसे वैसे इस मतदान केंद्र की अगर बात करें, आदमपुर हलके की अगर बात करें तो चुनाव बिल्कुल इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और इसी इंटरेस्टिंग माहौल में जो मतदाता है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं और साथ के साथ अगर बात करें तो हर पार्टी के वो स्टार प्रचारक भी मैदान में उतर चुके हैं। आज की अगर मैं बात करूँ तो आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर पहुँचे हैं, आदमपुर की जो मंडी है वहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता है उनसे बातचीत करेंगे, क्या आज उनका मिजाज है वो जानने की कोशिश करेंगे। भैया नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम आशीष है जी। आशीष जी ये बताइए कि आज आप यहाँ आदमपुर मंडी में पहुँचे हुए हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर आए हुए हैं और भी कई बड़े चेहरे यहाँ पर आए हुए हैं, आपको क्या लगता है कि जयप्रकाश जेपी के चुनाव प्रचार पर किस प्रकार से असर डाल पाएंगे? जयप्रकाश जेपी तो जमा जोर शोर से है जी इस बार है, तुलदीप बिश्नोई ने तो तल्ले तल्ले जेपी ने बल्ले बल्ले हो गए जी इतनी बार तो पक्की बात है कि बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले जमा तो सुती और तुलदीप तल्ले तल्ले दोबारे मंदी में ही तो नहीं आवे रहे यदि। अच्छा, कुलदीप बिश्नोई थल्ले थल्ले। हाँ, तुलदीप बिश्नोई तल्ले तल्ले जेपी बल्ले बल्ले जयप्रकाश जेपी। अच्छा, विकास कार्यों की अगर बात की जाए तो कितना विकास कार्य जयप्रकाश कुलदीप बिश्नोई ने वो करवाया है आदमपुर हल्के में? विकास जी चलो उसके बापता पारत है भजन लाल, नाम लेते हैं भजन लाल, भजन लाल ते टाइम में ताम हुए है, कुलदीप बिश्नोई के टाइम में जमा ही ताम नहीं हुआ, उसका पारत है उसके बापता नाम से तो देवीलाल ता पारत देते हो इशार पलता हमारे भजन लाल ते पारत में चल दिया नहीं वो दो महीना तो हॉस्पिटल में पड़े रहे है। अच्छा, इतनी बीमारी है उसमें जा देता हो तो फिर इस बार तो कुलदीप बिश्नोई खुद तो है नहीं मैदान में, उनके बेटे है भव्य बिश्नोई वो मैदान में। भव्य बिश्नोई ने आपने बोले तुरा राम के सामने मेरा बाप विकास तराता तो मुझे बहुत मानने थी जुलत नहीं है, तभी राम रामनवमी वाले दिन आदमपुर में नहीं आया भव्य, आदत तो नहीं पसीनो आ रही है बाजार में फिर भी दैय रे भाइयो जिता दियो इफ्ती आ रही हाथ जोर जोर ते थे जमा पसीनो आ रही है ले तो भी भाई दे। पसीने की बात करें तो पसीने तो आपके चेहरे पर भी है लेकिन ये पसीना जो है आपके चेहरे पर है ये सीधा पसीनो है अभी ना। अच्छा, खुशी का पसीना है। हाँ, अभी ना आरन तो पसीनो है दरिया में ये चल नहीं मतर मतरते भी ना पसीनो है। भाई देखिए, आपको इस भाई की बातें सुनकर के शायद हंसी आ रही होगी लेकिन जो बात कह रहे हैं उन बातों पर जरा गौर कीजिएगा कि आदमपुर का जो चुनाव है कितना खुश मिजाज जो है वो हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर बात करी जाए जयप्रकाश जेपी की, लोग कहते हैं कि बाहर से आया हुआ कैंडिडेट है ये तो क्या बात हुई, पहले भी आया था ताम किया था अभी 10 सालों में पता चल जाएगा फिर राज्य मंत्री भी बनाए थे इस तो ताम तराएगा तो। अच्छा, जमा तो सुत्ता इस बार जोर शोर दे लियो भव्य जावे लोदा दे बुलाए इनू तेवे मेरे पड़ोदराम तराओ आर्मी तो पावे दसी और जेपी नु ही तो तेवे मेरे लाराओ दे तो दारो जी संता में दिया दी लाइन चल है जयप्रकाश जेपी तो इस बार वो गढ़ जो है टूट जाएगा फिर तो जमा पसीना। अच्छा, लोगों के मुंह से एक बात निकल करके सामने आ रही है कि भजन लाल का जो काम करवाया हुआ है
वो आज भी लोग याद करते हैं। कुलदीप बिश्नोई के साथ सिर्फ वो हमदर्दी है जिसके कारण लोग वोट दे रहे हैं और उसको छोड़ भी नहीं पा रहे, क्या कारण है? ये बात तो है, भजन लाल ने ताम तरह अभी तो कुलदीप तो बहुत मिले थे दर पे बैठे हुए, कुलदीप ताम तराता तो भव्य तो बहुत मानने रिजल्ट जभी तो ये देरे मारते फिर लोधो के पास भाइयो दियो रे दियो इतना तो रोवे दोयो। कुलदीप बिश्नोई एक आरोप लगा रहे जयप्रकाश जेपी पर कि इसका पीछे के चुनाव का कुछ बकाया जो है वो पेंडिंग है, लेकिन एक वीडियो सामने आ रही है भव्य बिश्नोई की, उसमें एक किसी समाज का है वो प्रधान है, वो ये कह रहा है कि 51,000 रुपये भव्य बिश्नोई हमारे मार चुका है। भव्य बिश्नोई वो बिश्नो इसमें वाल्मीकि मंदिर में गया था 51,000 पहले तो बोल देते जोर जोर से पैसे लेने आते थे 33,000 रुपये लियो मेरे से 1,200 रुपये क्यों मंदते है वो पहली बोल तो लियो पहली पूछो तो सही जरूरी है बोलो 500 दियो ते बात इन्हें तो जब तो मेरा नाम कुलदीप बिश्नोई ने 51,000 दिए ते चित्ता दिए पहली दुकान पाल देता तो सही 1,200 देवे था देते मंद तो है लेना वे या बोल लो ही ना, यानी कि कार्यक्रमों में जाना ही बंद कर दे अगर इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो फिर जमा जब तन बोले मन बुलाओ रे मन बुलाओ मन बहुत चाहिए और पैसा दान दे दद 51,00,000 रुपया मेरा नाम बाद में 100 रुपया देवे 500 देवे त्यू या बोल ही ना या दे ही ना बेनू ते वे ला दे दे यार रुपया तो जरूरी दो नहीं आदमपुर में नवरात्रा हो दे रहो लाद लाद दो दो लाद रुपया नाम आवे आप तमून थे इतना पैसा इतने पैसे चंदा है दुप्त दान है। अच्छा इस बात में कितनी सच्चाई है, कांग्रेस ही ज्यादातर आरोप लगा रहे हैं कि भव्य बिश्नोई जब भी अपने चुनाव प्रचार में जाता है अकेला नहीं जाता, या तो कुलदीप बिश्नोई को साथ में लेकर के जाता है या फिर अपनी माता जी है रेणुका बिश्नोई उसको साथ में लेकर के। ना जी अकेला भी जावे बाजार में देते हो ईब भी दे रहा था तो दो फिर बाजार में 20 आदमी ला रहे आ जिंदाबाद तो नारा लगावा आवाज ही तो अंतर दे मई हूँ ए थी भाई बोले भव्य बिश्नोई जिंदाबाद तो बोलू बोले राम जिंदाबाद मरिया मरिया बोले भाई साहब मीठा मुंह कर रहे हो किस खुशी में कर रहे हो? भाई से बात करनी जरूरी थी लेकिन आप भी मीठा मुंह कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? भाई साहब जयप्रकाश जीत गया हमारे कहानी तो एक तरफा माहौल है जमा एक तरफा बना दिया। अरे भाई साहब मैं ड्राइवर हो गाड़ी चलाया कर दो इबका तो लाडू न्यू भावा धक्का से जान लग रहा अंदर इतना स्वाद लागन लग रहा पूछे ना उड़ा कुलदीप और दफ्तर का गावनी कंटा फंस गया पानी पीनो पड़े थोड़ा इबला माहौल इस तरह हो रहा है भाई साहब दीप त्यार तो कुलदीप ही सवाल तराती है बिश्नोईया दी दादी लदावे हफ्ते पे ले रे मेरा पर्चा उतरो रे 500 रुपया दिहाड़ी देवे आदमी ला रहे हो जियो मेरा पर्चा उतरो मोहसैन तिला भाई लदा रहा तेज पितर है और भाई तो नहीं है बिश्नोई जरूरी है जात भी है वाणिया भी है वाल्मीकि भी है चिंपा भी है सब है वे भाई तो नहीं बने पेट में भूतों ला दे वे भी है विशाल तरन ने। अच्छा चलिए दो पार्टियों की तो बात हो गई है, पार्टियां तो और भी है मैदान में, आम आदमी पार्टी है INLD है एक वो राजकुमार सैनी की पार्टी है गुलाब सिंह नरवाल है, उनका आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से वो यहाँ मैदान में है? मैदान में तो है जी उनका चर्चा ही नहीं है जमा भी, वो तो बस नाम नाम से तरी है जित रही तो नहीं बस ये दो डेरी फिरे नल्लो जी तुरा राम ने दही है जी तुरा राम ने और आम आदमी तो यही बिल्ली वाली दाल फिरे तो ही तो नहीं। बात करें एक पार्टी और थी बाबा जी ने बनाई थी वो तो कोई जन कल्याण मोर्चा था कोई वो जनता कल्याण मोर्चा वो भी अपना कैंडिडेट जो है वो वहाँ से खिसक चुके हैं लेकिन वो बाबा जी जो है वो INLD में मिल चुके हैं। रे वो बाबा तो भी गरीब आदमी ने मरना यो भी ना तिल्लो तई बतुआ दियो फिर नो तो इनलो में ते पड़ी है इतना दिनों दीदी तले हलतरे ने एरबाड़ी तुरा राम मंदी में तो नहीं आयो बहुत तिस्ते ले वे था तो ही तुम दिन था उसने वो टाइम दिया तो वोट किसको देंगे फिर? जेपी ने देवा जेपी तैयार तो सुते दे पर सास जेपी का चल रहा अल्लाह वो जानो चल रहे नहीं अवा तो सुती चल रहे मंदी में जयप्रकाश जेपी दी चल रहे दीप तैयार है बबे भी सुनाई दी तुम चल रहे वा हवा किसी की निकालो भी गे एन जमा भव्य दी तद्दे दी दे लिया ते छे तारीख ने इशार में यहाँ रोवे रे बैठे हूँ रे आज दियो फिर सतली धंधी तावे मंदी में और बोलो आवी धोनी एयर प्लाट तो बेच दिया दूसरा और बेचना पड़ जी बाल है
चलिए दर्शकों, ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे इनसे। आपको इनकी बातों में कितनी सच्चाई जो है वो नज़र आती है, कमेंट के माध्यम से सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करके ज़रूर बताइएगा। लगातार इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम चुनावी अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं आपका साथी नरेश कुमार।